आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे भी। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी अपना जो एक 10 मिनट का शो होगा, एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में करंट में अपने समीर के कारण, जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा और आप लोग थंबनेल के ऊपर देख भी पा रहे हो, G7। जी हाँ, G7 के बारे में बातचीत करेंगे आपके साथ कुछ समय तक। G7 एक दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वर्तमान में, जो डेवलप कंट्री है ना इन प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा, जर्मनी है ना, कुछ इस टाइप की कंट्री है जो बात करेंगे अपनी एडिशन के अंदर। ठीक है, तो क्या है G7 और ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया था, इंडिया के साथ इसका क्या रोल है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, और करंट में किस कारण है रिसेंटली, अभी हाल ही के अंदर 2023 तक की अगर मैं बात करूं तो। G7 के बारे में बात करेंगे, G7 ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे G7 के बारे में, जो ये G7 है ना, पहले तो बात करेंगे G7 क्या है। ठीक है, देखो दुनिया के अंदर वर्तमान में अगर सीधी से बात करें तो विकसित कंट्री का ग्रुप है, यानी कि जो डेवलप कंट्री है ना उन देशों का समूह है आज की तारीख में ये। और ये कब बनाया गया था, तो सन 1973 का समय था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और दुनिया के अंदर आने के ऑयल क्राइसिस आ गया था, यानी कि तेल संकट आ गया था, और वर्ल्ड के अंदर जो 1973 में तेल संकट आया था ना, तो इस तेल संकट को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, ये कुछ ऐसे 5 देश थे। इन 5 देशों ने इस संकट से उभरने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप, एक समूह का गठन किया। ठीक है, सन 1973 की मैं बात कर रहा हूं, तो इनके एक वित्त मंत्रियों का एक अनौपचारिक, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल एक बैठक की गई इनके वित्त मंत्रियों की, और इन वित्त मंत्रियों ने, यानी इन सभी देशों के वित्त मंत्रियों ने इस तेल संकट को मद्देनजर रखते हुए, या इससे एक तरह से, इसे जो भी आपदा एक तरह से आई हुई दुनिया के अंदर है ना, तो इसको एक तरह से या इसका सोल्यूशन करने के लिए दुनिया के अंदर एक ये एक मंच पर आते हैं 1973 में इनके वित्त मंत्री, और सन 1975 के अंदर ये सारे के सारे देश मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। और जो ग्रुप बनाते हैं ना ये, तो फ्रांस के अंदर सारे देश इकट्ठे होते हैं, एक राम बोइलेट नामक जगह है, यहां पर ये सारे के सारे लोग एक तरह से इकट्ठे होते हैं, और इन सभी लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको हमने एक तरह से 1975 में G6 के नाम से जाना, लेकिन वर्तमान में इसका नाम G7 है। कौन कौन से देश है वर्तमान में, तो इसके अंदर ज्यादातर एसएससी क्या करती है, कोई भी 4 ऑप्शन आपके सामने डाल देंगे, कौन सा मेंबर है या कौन सा मेंबर नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखो कहां से एक तरह से इसका प्लान चल रहा है ना, और फाइनल एक तरह से इसका फॉर्मेशन कब हो जा रहा है, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। आज की तारीख में अगर बात करें ना, वर्तमान में आज की तारीख में बात करें, तो इसके अंदर टोटल कितने मेंबर है, 7 मेंबर है, बट ध्यान रखना 7 मेंबर के साथ इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी शामिल है उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आज 7 देश है इसको G7 के नाम से जानते हैं, बट एक समय में ना इसको G8 के नाम से भी जाना गया था, रशिया एक बार इसका मेंबर बन चुका था, तो बात करेंगे रशिया मेंबर कब बना, एंड इन प्रेजेंट टाइम में रशिया इसका मेंबर नहीं है, एग्जिट हो चुका है। ये सारी बातें करेंगे अपने सेशन के अंदर, छोटे से सेशन में। तो फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे लोग मिलकर, ये सारे देश मिलकर 1976 में, यानी कि 6 देश हो गए, और ये 6 देश 1976 में एक ग्रुप की स्थापना करते हैं जिसको ग्रुप ऑफ 6 के नाम से जाना गया। ठीक है, ये एक तरह से जो ग्रुप बना था ना, ये उस समय 1975 में किस नाम से जाना जाता था, ये G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन लेकिन 1976 के अंदर है ना, 1976 में कनाडा जो है ना इस समूह का मेंबर बनता है, पहली बार कनाडा इसका मेंबर बना 1976 में, और 1976 में पहली बार इसकी एक तरह से औपचारिक बैठक की गई थी G7 के नाम से। तो G7 नाम से इसका पहला जो समिट है ना, वो 1976 में किया गया था, इससे पहले मात्र इसके अंदर 6 कंट्री थे है ना 1975 के अंदर, और नया मेंबर इसका कोई बना है, तो नया मेंबर इसका बना था कनाडा 1976 के अंदर, यह ध्यान रखना। और जब ये 1976 में कनाडा इसका मेंबर बना था ना, तो ये जो सम्मेलन है ना, ये यूएसए में किया जा रहा था, और यूएसए के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको नामक स्थान पर ये मीटिंग किया जा रहा था, सम्मेलन किया जा रहा था 1976 में, और इस समय भाई साहब कनाडा 1976 में इसका मेंबर बना, और 1976 में मेंबर बनने के बाद इसका नाम हो गया G7, जो कि वर्तमान में नाम इसका G7 ही है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि बीच में एक बार इसका नाम G8 भी हो चुका था, तो कब, कहां, कैसे, क्या हुआ वो भी बात करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से इसके अंदर एक तरह से कंट्री है, एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग इसको याद कर सकते हो। वैसे तो देखो 7 देश है, कंसेप्चुअल तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप इनके 7 देश याद ना हो पाए, तो एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा कोडिंग है, छोटा सा ट्रिक्स है, उसके माध्यम से आप लोग याद कर सकते हो। जैसे कि हमने यहां पर लिखा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जीजा कई बार फ्रांस आए। जी हां, जीजा कई बार फ्रांस आए, इस लाइन के अंदर है ना सारे के सारे भाई साहब, 7 इसके अंदर मेंबर है, और 7 मेंबर इसके अंदर है। जैसे जी से आप लोग क्या बना पाओगे, जी से आप लोग बना लेना
ना जर्मनी, जहां से आप लोग बना पाओगे जापान, ठीक है, जापान सारे के सारे डेवलप कंट्री है, इस बात को ध्यान रखना, विकसित कंट्री है। और आप महसूस कर सकते हो हमारा हिंदुस्तान अभी इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक तरह से एक भाषण में कहा भी था कि हमारा देश जो है वो विकसित कैटेगरी के अंदर सन 2047 तक आएगा। अब ये 2047 हमारा एक टारगेट है, बट इससे पहले भी भारत आ सकता है, लेकिन एक टारगेट, एक लक्ष्य लिया है भारत को डेवलप कंट्री के अंदर एक तरह से शामिल करने में सन 2047 ईस्वी तक। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है और असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा भी गया था। तो जर्मनी हो गया, जापान हो गया, कैसे अपना बन जाएगा कनाडा, इसे बन जाएगा इटली, ठीक है, और बाहर से आप लोग बना लेना ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन बन जाएगा, ब्रिटेन समूह हो गया पूरा, और फ्रांस से फ्रांस हो जाएगा, आई से आप लोग बनाना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी आई से अमेरिका सीधा बोलने में, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक ऑथेंटिक नाम होगा। तो जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए, ये इसके वर्तमान में टोटल मेंबर कितने हैं आज की तारीख में, टोटल 7 सदस्य है, और जो 7 सदस्य है ना, ये 7 सदस्यों का ग्रुप जी से उनके नाम से दुनिया में जाना जा रहा है। लेकिन मैंने आपसे एक बात किया था कि G7 के अंदर है ना एक मेंबर और भी है, G7 के अंदर है ना एक संस्था भी मेंबर है, 7 देश के अलावा इसमें एक संस्था और सदस्य है, और कौन सी संस्था सदस्य है, EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन। ये शायद आपने हमारे लास्ट एडिशन में पढ़ा भी होगा, यूरोपियन यूनियन जो है ना, ये भाई साहब यूरोपियन यूनियन, मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान में जो यूरोपियन यूनियन है ना, वर्तमान में यूरोपियन यूनियन जो है ये आज की तारीख में 27 देशों का समूह है, 27 इसके अंदर टोटल कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में यूरोप महाद्वीप के देशों का समूह है और 27 देश है। कुछ समय पहले इसमें 28 थे, लेकिन कुछ समय पहले ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया था, जिस घटना को ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया था। अब जो इसके अंदर इन प्रेजेंट टाइम में 27 देश है, वो तो सारे आपने याद नहीं करने हैं ना, ज्यादातर एग्जामिनर क्या करते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं, ईयू का इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम देश का कैपिटल है वर्तमान में ब्रुसेल्स, यहां पर इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, 27 देशों का समूह है। तो G7 ग्रुप के अंदर है ना एक भागीदार के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था भी शामिल है, और कौन सी संस्था शामिल है, तो हमने बात की आपसे ईयू, लेकिन ईयू मेंबर कब बना और इसके ग्रुप में पहली बार मीटिंग में भाग कब ले रहा है, तो 1977 में, मेरी बात को समझना, 1977 के अंदर ये इसके समिट में पहली एक तरह से भाग ले रहा है और कंप्लीट रूप से औपचारिक रूप से पूर्णकालिक सदस्य परमानेंट मेंबर 1981 में मेंबर बन गया था। 77 में ये पहली बार इसके अंदर ग्रुप में भाग ले रहा है मीटिंग के अंदर, 1981 में बिल्कुल कंप्लीट ईयू इसका सदस्य बन जाता है। ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग ज्यादातर जो एग्जाम में है करंट अफेयर्स के अंदर यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, तो एक लोकेशन का क्वेश्चन बनता है, और लोकेशन का क्वेश्चन क्या बनता है, समिट का, समिट बोले तो जो ये G7 है ना हर साल इसका किसी में किसी देश में या किसी ना किसी शहर के अंदर हर साल इसके एक समिट होता है, हर साल इसके एक सम्मेलन होता है। तो रिसेंटली 2023 की बात करें, इसका सम्मेलन हो चुका है, जिसको हम लोग G7 समिट के नाम से जानते हैं या G7 के प्रमुख सम्मेलन के नाम से जानते हैं। हर साल इसका सम्मेलन हो रहा है, 1975 से सम्मेलन हो रहा है, रिसेंटली 2023 में सम्मेलन हो चुका है। तो आप इसके सम्मेलन कैसे याद करोगे, आपने रटना नहीं है। देखो 7 कौन कौन से देश है आप लोग याद कर चुके होगे उस ट्रिक से, लेकिन जब भी इसका सम्मेलन याद करो ना, तो 7 देश को आप लोग ऐसे याद करना, यानी कि सबसे ऊपर फ्रांस लिखना, ऐसे रोटेशनल तरीके से इनको क्रम में जचाना, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये 7 देश जो है ना इस क्रम में, इस लाइन से आप लोग इनको जचाना। और आपको जचाने से क्या फायदा मिलेगा कि आप इनके सम्मेलन को अच्छे से कवर कर पाओगे। जैसे कि प्रथम इसका सम्मेलन है ना वो नवंबर 1975 में किया गया था फ्रांस में, यानी कि यहां पर देखो सबसे ऊपर देश कौन सा इसमें, फ्रांस, तो पहली बार इसका सम्मेलन है ना फ्रांस में किया गया था, और ऐसे चलते चलते दूसरा अमेरिका में, तीसरा ब्रिटेन में, चौथा जर्मनी में, ऐसे रोटेशनल सम्मेलन होते हैं, माइंड टॉस करो, जैसे कि ब्रिक्स के अंदर मैंने भी आपको ऐसा ही बताया था, ठीक है। तो पहली बार इसका सम्मेलन 1975 में किया गया था, फ्रांस में किया गया था। सेकंड सम्मेलन की बात करें 1976 में किया गया था, अमेरिका में किया गया था, और सेकंड नंबर पर आप लोग अमेरिका देख पा रहे होंगे। विशेषता क्या बनी, कनाडा, यानी कि कनाडा इसका मेंबर बना, और यही G6 हो गया, G7 1976 के अंदर, ठीक है। 23वां सम्मेलन है, 23वां में एकदम यहां पर इसलिए पहुंचा क्योंकि मेन मेन याद करने हैं, सारे सम्मेलन याद नहीं करने हैं, आज तक इसके 49 सम्मिट हो चुकी है, तो उन 49 सम्मिट के अंदर 23वां जो सम्मेलन है ना वो 1997 में किया गया था अमेरिका के डेनवर नामक शहर में, और ये विशेष इसलिए बन जाता है कि जो रशिया है ना, यानी कि रूस, वो इसका एक सदस्य बना था, और रूस सदस्य बनने के बाद इस ग्रुप का नाम हो गया था G8, यानी कि पहले इसमें 7 थे, अब इसके अंदर हो गए 8, सो इसका नाम हो गया G8। लेकिन यूक्रेन
यूक्रेन रशिया जो विवाद काफी साल से चल रहा है, और इसी विवाद को लेते हुए 40वां सम्मेलन हुआ था इसका 2014 में, और ब्रुसेल्स के अंदर इसका सम्मेलन किया गया था। रशिया को G8 से एग्जिट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, सो पुनः इसका नाम हो गया G7, और आज की तारीख में इसका नाम G7 ही है, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे। रिसेंटली बात करें 49वें नंबर का सम्मेलन हो चुका है, और 49वां कहां पर किया गया, 2023 में हिरोशिमा में सम्मेलन किया गया जापान में। अब आगामी सम्मेलन 2024 में कहां होगा, आपने रटना नहीं है, कैसे याद करोगे, 49वां जापान में किया गया, यानी कि 49वां हो गया जापान के अंदर, तो 49वां सम्मेलन जापान में किया गया। रोटेशनल बात करते हैं, अब 50वां सम्मेलन कहां होगा, तो जाहिर सी बात है इटली में होगा। 51वां सम्मेलन कहां होगा, कनाडा में होगा। 52वां कहां पर होगा, फ्रांस में होगा। ऐसे रोटेशनल आप लोग चैन बना सकते हो। तो इस टाइप के एक छोटा सा टॉपिक था अपना G7, और उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक तरह से शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो, 10 मिनट के शो, 20 मिनट के शो को आप लोग एक तरह से हमारे चैनल पर देखते रहना। अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन है आप लोग उसको दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। ऐसे आप लोग पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।